नमस्कार, ईटीवी भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं किरण कांत शर्मा। 14 तारीख को उत्तराखंड में मतदान होने हैं और उससे पहले तमाम पार्टियां अपने वादों के साथ जनता के दरवाजे पर हैं। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी और कांग्रेस के बाद जनता बेहद गंभीरता से तीसरे विकल्प पर भी उम्मीद लगा रही है। ये तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप में। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल कोटियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। सर, आप जब उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आए, आपने प्रचार शुरू किया तो आपने गारंटी कार्ड जनता के बीच रखा और हमने देखा कि उसके बाद बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों में होड़ सी लग गई। उन्होंने भी कहा कि हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो कैसे मन में आया कि ये सब चीज़ें करनी हैं? हालांकि दिल्ली और अगर हम उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बहुत अलग है। दिल्ली में हमें जनता ने एक मौका दिया जी। दिल्ली में हमने दिल्ली की पहली ईमानदार सरकार बनाई जी। फिर सरकार बनाने के बाद वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से पहले जनता ने 67 सीट दी और फिर 62 सीट दी। इतना भारी बहुमत तो तभी होता है जब जनता काम से खुश होती है, जनता आपको प्यार करती है। हमने दिल्ली में स्कूल ठीक करे, अस्पताल बनाए, बिजली 24 घंटे करी, बिजली मुफ्त कर दी, सड़कें ठीक की, पानी ठीक किया, ये सब काम किए। यही इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत, मूलभूत सुविधाएं अगर कहा जाए इंसान की, यही चीज़ें उत्तराखंड में ज़रूरत है। तो उत्तराखंड की भी जनता मौका अगर हमें देगी तो हम उत्तराखंड की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में भी सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है उसको ठीक करेंगे। प्राइवेट स्कूल वाले जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं उसको ठीक करेंगे, फीस नहीं बढ़ाने देंगे। अस्पताल बनाएंगे, गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे, पानी ठीक करेंगे, बिजली ठीक करेंगे। सर, आप समझते हैं कि राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता जो है वो नेताओं पर बहुत कम भरोसा करती है। जनता को ये लगता है कि नेता जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे भी या नहीं होंगे। अब आपने ये कहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप 6 महीनों में 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। ये उत्तराखंड में इसलिए भी बहुत दूर की कौड़ी लगता है कि क्योंकि यहाँ की जो हालत है, अगर आप, मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड में अगर एक बच्चा जन्म भी लेता है तो वो भी 40,000 से ज़्यादा का कर्ज लेकर पैदा होता है। हमारे राज्य में 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। तो ये कैसे संभव हो पाएगा कि आप लोगों को 6 महीने में 1 लाख रोज़गार भी दे देंगे, आप मुफ्त बिजली और पानी भी दे देंगे? तो ये मुझे फार्मूला समझाइए कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है उत्तराखंड जैसे राज्य में। पहली चीज़, हमारी जितनी गारंटी है, ये 1 लाख जॉब वाले पे आता हूँ, हम 5 साल की सरकार हैं जी, 5 साल में पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को सरकार बने और 11 तारीख को लोग आके कहे जी हमें रोज़गार दीजिए, बिजली फ्री दीजिए, 1,000 रुपये दीजिए जी। हर चीज़ को समय लगेगा, लेकिन 5 साल में हम अपने सारे वादे पूरे कर देंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियां, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी हैं सरकार के अंदर आज, इन वैकेंसीज को पूरा करेंगे, भरेंगे। उसके बाद हम जब मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इनमें ढेरों वैकेंसीज निकलने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। उन सबको हमने हिसाब लगाया था, लगभग 1 लाख के करीब सरकारी नौकरियां निकल सकती हैं अगर सरकार ठीक से काम करे। नहीं, ये जो आपने कहा कि मुफ्त बिजली भी आप दे देंगे, मुफ्त पानी दे देंगे, अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो मुझे लगता है कि कई साल लग जाएंगे, 5 नहीं कई साल लग जाएंगे ये कर्ज उतारने में जो सरकारों ने 21 सालों में उत्तराखंड के ऊपर किया है। अच्छा, पहले तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, ये 21 साल में ये कर्ज चढ़ा कैसे? 60,000 करोड़ का कर्जा है, 60,000 करोड़ का कर्जा 21 साल के अंदर उत्तराखंड पे कैसे चढ़ा, कहाँ गया ये पैसा? अगर सोचा जाए, 21 साल में इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, इन्होंने एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया, एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई नई सड़क नहीं बनाई, तो ये पैसा 60,000 करोड़ गया कहाँ? खा गए ये सारा, इनकी जेब में गया, इनके स्विस बैंकों में गया। एक एक नेता ने ढेरों प्रॉपर्टियां बना रखी हैं स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमरीका में। ये बंद करेंगे, पैसे की कमी नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि पैसे की कमी नहीं है। इन नेताओं ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, केवल और केवल लूटा है उत्तराखंड को, पैसा बहुत है। ये पैसा 60,000 करोड़ का कर्जा कोई जनता को फ्री बिजली देने से नहीं चढ़ा, ये लूटने से चढ़ा है,
ये कोई महिलाओं को हजार हजार रुपए देने से नहीं चढ़ा, ये लूटने से चढ़ा है। ये जितनी हमने अभी तक घोषणाएं की हैं इसका टोटल खर्चा 3.5-4 हजार करोड़ आएगा। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दिल्ली में भी पहले बहुत कर्जा था, दिल्ली में जी 5 साल के अंदर सारा कर्जा साफ कर दिया। अब नफे में चल रही है सरकार, फायदे में चल रही है। अच्छा सर, हमने देखा है कि जब आपने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो हमने देखा कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता या ये कहें कि जो सरकारों में मंत्री रहे हों, अध्यक्ष रहे हों, वो आपकी पार्टी के साथ नहीं जुड़े। ऐसा मुझे लगता है कि आपको कई लोगों ने अप्रोच भी किया होगा कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर कल के दिन वो आपकी पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या उनका स्वागत आप लोग करेंगे? क्योंकि आपने कहा है दोनों ही पार्टी के नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर पार्टी मजबूत होती है और लगता है उन नेताओं को कि आम आदमी पार्टी उनका ठिकाना हो सकता है, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा ऐसे नेताओं का? देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए आपने खुद ही कहा कि कई दूसरी पार्टियों के नेता आप में आना चाहते थे जी। हमने इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि हम भ्रष्ट लोगों को नहीं लेना चाहते। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उन पार्टियों में सारे लोग भ्रष्ट हैं। उन पार्टियों में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ अच्छे। हम जब भी दूसरी पार्टियों से किसी को लेते हैं तो बड़ी ठोक बजा के देखते हैं कि बंदे की इमेज सही है, उस ईमानदार आदमी है। तो अगर कोई भी अच्छा आदमी जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है वो अगर हमारी पार्टी में आना चाहेगा, हमें लगेगा आदमी ईमानदार है तो उसे ज़रूर लेंगे। अच्छा सर, मेरा कोटियाल जी को लेकर आपसे सवाल है, आप दोनों ही उसका जवाब दे सकते हैं कि कोटियाल जी आप ये बताएं कि आप तो भोले के वक्त हैं। हमने देखा साल 2013 में आपको केदारनाथ की वादियों में, वैली में काम करते हुए, तो अचानक ऐसा क्या लगा कि भाई राजनीति में जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी ही क्यों? और आपसे भी मेरा सवाल है कि सर आपने कर्नल अजय कोटियाल पर ही दाव क्यों खेला? राज्य में और भी बड़े नेता हो सकते थे, और भी लोग हो सकते थे, आखिरकार आपको इनके अंदर ऐसा क्या लगा? पहले मैं बता देता हूँ, जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए क्या बोले के वक्तों को अगर राजनीति में आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है व्यक्ति का ईमानदार होना। कर्नल साहब कट्टर ईमानदार आदमी है और इनकी ईमानदारी सारा उत्तराखंड जानता है। दूसरा, फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो देशभक्त हैं, देश के लिए गोलियां खाई हैं। एक दो गोलियां तो अभी भी अपने शरीर में लेके चल रहे हैं अभी, जो निकल नहीं पाई। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपना एक यूथ फाउंडेशन बना के पहाड़ों के 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग देके उनको फौज में भर्ती कराया। तो जनता के लिए काम करते हैं, उत्तराखंड के लिए काम करते हैं। और जब केदारनाथ पे आपदा आई थी तो इन्होंने अपने लड़कों के साथ मिलके केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। इससे अच्छा आदमी और कौन मिल सकता है? कोटियाल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब सारी बातें तो हो गई जी, लेकिन एक ये जरूर है, अगर कोई इंसान अच्छा है, अगर किसी इंसान के पास एक्सपीरियंस है और वो वाकई में समाज को अपना परिवार समझता है तो हर अच्छे इंसान को आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये वाली पार्टी क्यों चुनी, उसे जरूर देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की ना आज अपने इंटरेस्ट की वजह से लोगों ने, जिनको हम चुनते हैं, उन्होंने क्या परिभाषा बना दी है। बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ पे कोई पार्टी जीतती नहीं जी। ये पार्टी ना हारती है। कॉन्सेप्ट आप देखो, दो ही पार्टी है, स्वाभिमानी जनता है, उसने वोट देना है। सबसे पहले बीजेपी थी यहाँ पे, शुरू में इंटरिम गवर्नमेंट, बीजेपी ने काम नहीं करा तो इन्होंने कांग्रेस को जिताया। जनता ने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने काम नहीं करा तो बीजेपी को जिताया, फिर बीजेपी को देखा। अब क्योंकि पहले कांग्रेस को हरा चुके थे लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर बीजेपी आई। तो यहाँ तो हारने वाली राजनीति चल रही है। जनता समझदार है, लेकिन हमारे ही जो रिश्तेदार हैं, जो जाते हैं इसमें राजनीति में और जब ऊपर अधिकारी बनते हैं, पॉलिटिकल अधिकारी, तो ये ना अपना घर देखते हैं, अपने परिवारों को देखते हैं। इनको हटाने के लिए हर अच्छे इंसान को आना चाहिए उस पार्टी में जो आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी। 7 साल में जिस पार्टी ने लगातार दिल्ली जैसी जगह, यहाँ पे कि सबसे खतरनाक पॉलिटिकल युद्ध होता था बीजेपी कांग्रेस का, उत्तराखंड में तो होता भी नहीं है, यहाँ तो सिंपल लोग हैं, वहाँ पे आकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को गायब कर दिया है। पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली 70 में, बीजेपी को 4, 6, 7 इसी में अटकी हुई है। तो अगर ऐसी पार्टी जिसने जनता के लिए कराया, स्कूल अच्छे बना दिए, शिक्षा की, ये स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी दे दी, वहाँ पे जहाँ बिजली नहीं पैदा होती जनता को बिजली और पानी मुफ्त दिया जाता है, जो जरूरत है उसको पूरा देखते हुए, वहाँ पे रोजगार के साधन कर दिए, महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया, तो ऐसी पार्टी तो अजय कोटियाल जैसे और जितने भी नए लोग हैं उनको आकर के ज्वाइन करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए पार्टी।
अरविंद जी, आप और आप दोनों ये दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आप लोग सरकार बना सकते हैं, लेकिन हकीकत अगर मैं ज़मीनी हकीकत की बात करूं तो कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जो हमारे पास भी फीडबैक है, कहीं आम आदमी पार्टी की टक्कर सीधी तौर पर किसी से दिखाई नहीं दे रही है। लोग कहते हैं ये वोट काट सकते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आपने भी तो सर्वे करवाए हैं, तमाम सर्वे आपने करवाए हैं, आपके लोग घूम रहे हैं, आपके नेता घूम रहे हैं, तो आप जब इस कंडीशन को देख रहे हैं, अगर आप मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं कि क्या किसी सीटों पर आप ये देख रहे हैं कुमाऊं या गढ़वाल में कि हाँ आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर फाइट में है, टक्कर में है? दिल्ली में जब पहली बार हम लड़े थे चुनाव 2012 में, हमारी नवंबर 2012 में पार्टी बनी और 2013 दिसंबर में हम चुनाव लड़े थे। 2013 दिसंबर के चुनाव के एक महीने पहले तक सारे सर्वे जितने आते थे ये वो हमें 6-7% वोट दे रहे थे और सब ये कहा जा रहा था कि सबकी जमानत जब्त होगी इनकी, आम आदमी पार्टी वालों की, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले। वो ये नहीं कहते थे केजरीवाल जीतेगा, कहते थे केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। और पहले ही चुनाव में हमारी 28 सीट आई और 28 सीट आके हमने सरकार बनाई थी। तो सेफोलॉजी में कहा जाता है कि नई पार्टी के वोट को सर्वे में आंकलन करना, एसेस करना बहुत मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के आज उत्तराखंड की जनता हमें क्यों वोट देगी? उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट देगी क्योंकि हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, हम उनके स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली से यहाँ के लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, लोगों को पता है कि दिल्ली में क्या काम हुआ। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे, शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी को वोट क्यों दे, शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। कोई एजेंडा ही नहीं है दोनों पार्टियों का। दोनों पार्टियां क्या कह रही है, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी इन्होंने 5 साल लूट लिया, अब हमारी बारी है, अब हमें मौका दो हम लूटेंगे। धामी साहब कह रहे हैं जी मेरे को तो अभी 6 महीने मिले, थोड़ा सा और मौका दो। तो दोनों को लूटना का, हम पहली बार आके कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे, आपके बच्चों के स्कूल अस्पताल बिजली पानी देंगे। आपने दिल्ली में भी ये बात कही, पंजाब में भी आप ये बात कहते आए हैं, उत्तराखंड में जब आप आए तो हमने देखा कि आपने स्कूलों के भ्रमण करे, खुद मनीष सिसोदिया ने जो है वो स्कूलों में जाकर के वहाँ के हालात देखे। फिर आप अचानक से आते हैं और गारंटी कार्ड के दौरान एक घोषणा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उस ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रही है जहां पर दूसरी पार्टियां हैं। दूसरी पार्टियां मस्जिद और मंदिर की बात कर रही हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रही हैं। आपने अपना जो मूल जो आपका ध्येय था कि हम स्कूल अस्पताल तमाम चीज़ें सही करेंगे, फिर आप आध्यात्मिक राजधानी पर आ जाएंगे, तो आप ये बताएं आपका रोडमैप है क्या आध्यात्मिक राजधानी बनाने का उत्तराखंड में? हम इंसान के हर पहलू को छूते हैं। एक इंसान क्या चाहता है जी? कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। दिल्ली में हमने उनके लिए अच्छे स्कूल बना दिए, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। एक आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज हो जाए। दिल्ली में हमने अच्छे अस्पताल बना दिए, अच्छा इलाज हो रहा है। एक आम आदमी चाहता है 24 घंटे बिजली आ जाए, बिजली के बिल ना आए। अब 24 घंटे बिजली आती है, बिजली के बिल जीरो आते हैं। एक आम आदमी चाहता है पानी ठीक से आ जाए, पानी ठीक से आता है। एक आम आदमी की अध्यात्म की भी ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, भूख होती है अध्यात्म की। तो हम दिल्ली के अंदर लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना रहना पीना सारा फ्री। 40,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा सर, आपको लगता है ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पॉलिटिकल पार्टी में कि धर्म और आस्था की बात करके वोटरों को? तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। हमारे में और दूसरी पार्टियों में फ़र्क ये है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति करते हैं, वो इसको उससे लड़ाने की, इस जात को उस जात से लड़ाने की राजनीति करते हैं। हम प्यार और मोहब्बत की, हम कहते हैं भाई अयोध्या जाओ रामचंद्र जी के दर्शन करो शांति मिलेगी। मुसलमानों को अजमेर शरीफ ले जाते हैं, क्रिश्चियंस को वेलिंगटनी चर्च ले जाते हैं, सिखों को करतारपुर साहब ले जाते हैं। हर धर्म के और हिंदुओं के लिए हमने द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी, शिरडी, कई जगह हमने 12 स्थान हमने किए हुए हैं, वहाँ सब ले जाते हैं। अयोध्या जी
तो अगर हम तीर्थयात्रा लोगों को करा रहे हैं, आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? नंबर एक। नंबर दो, जब हमने कहा कि हम हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, इसमें रोजगार का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल। यहाँ पे कण कण के अंदर आध्यात्म है उत्तराखंड में, लेकिन ये इसको फैलाया नहीं गया, मार्केट नहीं किया गया। ये बताएंगे आपको, इतनी कहानियाँ यहाँ पे, दस कदम पे, हर दस कदम पे कहानी है। अगर इसको अच्छे से मार्केट किया जाए, यहाँ पे हजारों जॉब्स बच्चों के तैयार किए जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि सर, अगर आपको जनता यहाँ का प्रेम देती है, बहुमत देती है, तो और पार्टियों के साथ जो है जनता की ये यादें जुड़ी हुई हैं कि 5 सालों में 2 से 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल जाते हैं। आपके पास ऐसा क्या फार्मूला होगा कि कोटियाल ही आपके मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? उनको मुख्यमंत्री बदलने पड़े क्योंकि उनके मुख्यमंत्री खराब थे। एक तरह से उस पार्टी ने, बीजेपी ने कबूल किया कि हमारा ये भी खराब था, फिर अगले वाला भी खराब था, अभी अगले वाला आया है। हमारे पास तो अच्छा आदमी है, इन्होंने काम करके दिखाया, उत्तराखंड के लोगों का भरोसा इनके ऊपर, हम क्यों बदलेंगे? लेकिन सर, मैंने ये भी देखा है कि आप दिल्ली मॉडल को हरियाणा लेके गए, आप महाराष्ट्र लेके गए, वहाँ के लोगों ने आपके दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर आप उसको लेकर के पंजाब भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली से बाहर आप इस मॉडल को लेकर आ रहे हैं, लोग आपको पसंद करेंगे भी या नहीं पसंद करेंगे? जब आप घर पर रात को सोते होंगे तो स्वाभाविक है आपके मन में भी ये सवाल कौनते होंगे कि आखिरकार दिल्ली का फार्मूला जो है वो और राज्यों में चल क्यों नहीं रहा है? हमारा एक ही फार्मूला है, हमारी नीयत साफ है। हमारी नीयत साफ है तो हम सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, स्कूल भी ठीक कर सकते हैं, अस्पताल भी ठीक कर सकते हैं, बिजली भी। हमारा ज़िंदगी का मकसद है इस देश को ठीक करना। हम कोई नेपोलियन नहीं है कि ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे, हम कोई वो नहीं है। या तो ये पार्टियां ठीक कर दें, ये मेरा देश है और मैं तो इस देश को, इसमें देश में जब भ्रष्टाचार देखते हैं तो तन बदन में आग लग जाती है। तो या तो ये लोग ठीक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ आए, अगर बीजेपी ने 5 साल में स्कूल अस्पताल वगैरह ठीक कर दिए होते तो यहाँ की जनता कहती केजरीवाल जी आप दिल्ली जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। आज के वहाँ पे दिल्ली में कोई नई पार्टी आके देख ले, वहाँ की जनता कहती कि यहाँ केजरीवाल से हम बड़े खुश हैं, आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ इन्होंने ठीक कर दिया होते हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में ये लोग ठीक कर दें, हमारी जरूरत ही नहीं, हम क्यों जाएंगे? हम अपना घर में बैठेंगे, आराम करेंगे। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, 70 साल में इन लोगों ने जो जनता को मूलभूत सुविधाएँ नहीं दी, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, 70 साल में इन्होंने नहीं दी, 70 साल इन लोगों ने लूटा, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ रही है। बीजेपी तो ये कहते हैं उन्होंने 5 सालों में यहाँ पर ऑल वेदर रोड दी है, 4 धाम से कनेक्ट करने वाली रोड दी है, कई जगह रोपे बन गए हैं। तो इन प्रोजेक्ट के आगे आपके जो ऑफर हैं या ये कहें गारंटी कार्ड हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे जनता पर? एक आम, अगर ये सब इन्होंने किया और ये सब ज़रूरत थी और ये सब अगर अच्छा था और इन्होंने अच्छा किया, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाता। आज उत्तराखंड में पलायन क्यों हो रहा है? आज उत्तराखंड में पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि पहाड़ के अंदर गांव में ना कोई स्कूल है, ना कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना रोजगार है। ये 3 बेसिक चीज़ें तो है, बिजली के पावर कट लगते हैं, ये 4 चीज़ें हैं। इस पर बीजेपी ने क्या किया? गिनाने के लिए तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं इसलिए उसमें हिस्सा ज़्यादा होता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, 1000 करोड़ का, 10000 करोड़ का होगा, उसमें हिस्सा भी ज़्यादा होगा, वो खा जाएंगे फिर। जनता को क्या चाहिए? जनता को स्कूल चाहिए यार। स्कूल, किसी पार्टी ने स्कूल बनाए? कोई बना सकती है? कोई पार्टी आज स्कूल नहीं बना सकती, उनकी नीयत ही नहीं है स्कूल बनाने की। मैं तो अब ये भी कहता हूँ भाई, दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, हमें करने आते हैं तो ये बीजेपी वाले अपने अपने हमें बुला लें, मध्य प्रदेश की सरकार पूछ ले हमसे, हम सिखा देंगे, पर बुलाएंगे नहीं हमको। राजस्थान में कांग्रेस वाले बुला लें हमको, हम सिखा देंगे कैसे ठीक करते, बुलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्कूल बनाते हैं उनको उसमें पैसे कमाने हैं, जब बच्चों के डेस्क खरीदते हैं उसमें उनको पैसे कमाने हैं, मिड डे मील में उनको पैसे कमाने हैं, और हमारा मॉडल है कट्टर ईमानदारी का। तो कोई कर ही नहीं सकता जो काम हम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है जी, जोड़ना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल बोला कि सड़कें जो यहाँ पे 4 लेन हाईवे बन रही हैं, ऑल वेदर रोड नाम दे दिया उसका, ट्रेन बन रही है करंट रियाज तक, पर प्रैक्टिकली अगर कोई देखे ना, मैं आया गंगोत्री विधानसभा से उत्तरकाशी से, कल मैं चला सुबह, ये परसों रात को चला मैं, जो रास्ता 3 घंटे में आप पहुँचते हो आज 8 घंटे लग रहे हैं उस रास्ते में। वो वाली ऑल वेदर रोड, वो ऑल वेदर रोड है सर,
यहाँ से उत्तरकाशी से लेकर चंबा तक मेरे को 8 घंटे लगे। आज इसको हम ऑल वेदर रोड बोलेंगे। कोई गलत बात नहीं है कि ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सरकार ऐसी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे रही है, प्रॉपर जो टूटी हुई है सर, जो प्रोसीजर होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि सड़क बनती है और 10 दिन में टूट जाती है उत्तराखंड में? तो हम रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं इतने देखता हूँ, गाँव गाँव के अंदर लोग धरने पे बैठे रहते हैं, कहीं तो लूट चल रही है ना। ये कर्णप्रयाग में जो रोड रेलवे लाइन बन रही है, गाँव में क्रैक आनी शुरू हो गई है, तो रेलवे लाइन जानी चाहिए। मैं तो यहाँ उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, कितना अच्छा लगेगा कि बद्रीनाथ के लोग यहाँ से रेल में जा रहे हैं, लेकिन बनाने के तरीके तुमने खाली अपनी जेब भरने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिए? तो पॉइंट तो हमारा ये है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो आम आदमी पार्टी ने करी रखी है, जो आज एक अच्छा उत्तराखंड में जरूरत है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसको तोड़ने में ही तो केजरीवाल सरकार की। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 21 सालों में जो भी सरकारें रही हों, कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, दोनों ही सरकार जो है उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं दे पाई हैं। अगर आपकी सरकार आती है और आपका इसमें क्या सोचना है कि स्थायी राजधानी राज्य को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहाँ पर विधानसभा सत्र करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, कोई नेता पहुँचता है, कोई नेता नहीं पहुँचता। अब बर्फ़ हो गई है तो वहाँ पर कोई झांकने भी नहीं जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल, कोटियाल, दोनों क्या सोचते हैं इसको लेकर के कि स्थायी राजधानी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड की सबसे पहली जरूरत ही ये थी जी, जब आंदोलन के बाद में अलग बना जी, कि राजधानी पहाड़ों में होनी चाहिए। गैरसैंण को छाटा गया, गढ़वाल कुमाऊं का एरिया था बीच का जी, और इससे एडवांटेज कितना ज़्यादा होता, सब लोग पहाड़ की तरफ ऊपर मुड़ते, पूरे रास्ते बीच के जो इलाके हैं वो ना सब डेवलप होते। हमने तो ये बोला है कि राजधानी तो होगी होगी वो, लेकिन साथ में बनानी कैसी है, उसका जो मास्टर प्लान बनाया है वो बड़े सिंपल लाइन से हमने बना रखा है कि खाली गैरसैंण नहीं हो सकता। गैरसैंण के चारों तरफ अगर ऐसे गोला खींचो, 30 किलोमीटर का इलाका, जिसमें भरारी सैंड भी आ रहा है, जिसमें कुमाऊं का क्षेत्र भी आ रहा है, ग्वालदम भी आ रहा है, आदबद्री भी आ रहा है, इन सब के बीच में लैंड आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी राजस्व की जमीन है, कौन सी फॉरेस्ट की है। राजस्व भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है ना, फॉरेस्ट पे तो नहीं हो सकता, या फॉरेस्ट पे करने के लिए फिर अलग प्रोसीजर होते हैं। फिर कौन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सचिवालय, उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ऐसे और डिपार्टमेंट प्रायोरिटी वाइज इसका होगा, PWD का होगा, इरिगेशन का होगा, बिजली विभाग होगा, लिस्टिंग करनी कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको गैरसैंण भरारी सैंड में होंगे, बाकी आसपास के इलाके में 30 किलोमीटर में सारे ये डिपार्टमेंट जाएंगे। मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई प्लान करने की जरूरत है। अगर आपने बेसिक प्लान कर लिया तो उसके बाद ना कहीं सवाल ही नहीं उठता कि ऊपर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, पानी कहाँ से आएगा, इन्हीं मुद्दों को तो लेकर के ही रोकते हैं। और अगर सही तरीके से चले तो सरकार का तो काम ही यही चीज़ है। आज तो साइंस में, आज तो इंजीनियरिंग में टाउन प्लानिंग ये तो एक सब्जेक्ट है, आर्किटेक्चर में एक सब्जेक्ट है, IIT रुड़की हमारे यहाँ पे है, अरविंद केजरीवाल जी खुद IIT वाले हैं, तो क्या ये आर्किटेक्चर अगर ट्राई नहीं करना है? चलते चलते दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार आपको जनता उत्तराखंड में वोट क्यों दे? आपने 10 साल BJP को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल कम नहीं होते, बहुत होते हैं। हमने दिल्ली में 5 साल में ही काम कर दिया इतना सारा। अब अगर आप 5 साल और दे देंगे कांग्रेस को तो वो कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसा ही रहेगा सब कुछ। अगर आप 5 साल और दे देंगे BJP को तो कुछ नहीं बदलने वाला। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देखिए, एक मौका देंगे 5 साल बाद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे जैसे दिल्ली की जनता भूल गई। और अगर 5 साल में हम काम ना करें तो अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखिए। कोटियाल साहब, गढ़वाली में कुछ अपील करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को और उत्तराखंड की जनता को? मेरा तो सारे पहाड़ के लोगों से ये अपील है कि इस बार जो है ये जो मौका आ रखा है, इस मौके को ये देख करके चलना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑफिसर बने, कर्नल अजय कोटियाल बने, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंजीनियर अजय कोटियाल बने, डॉक्टर अजय कोटियाल बने, तो ये पार्टी जो आ रखी है, जिसने अपने को साबित करा है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, इसको 14 फरवरी को एक बार मौका दें। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, या तो BJP और कांग्रेस का ही हक रहना चाहिए और उन्हीं की वो घटिया राजनीति चलनी चाहिए, तो मेरे को लगता है इस बार शायद BJP कांग्रेस के गेम में कांग्रेस की बारी है, तो इस बार शायद आप उनको दें। लेकिन मेरे को पक्का यकीन है जो पहाड़ की महिला है, पहाड़ के जो बच्चे हैं, ये जो हमारी युवा शक्ति है, वो जरूर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को एक विकल्प की तरह, जो कि 14 फरवरी को इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जय हिंद, प्रणाम। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोटियाल।
हमारे तमाम सवालों के जवाब जो है उन्होंने बड़ी साफगोई से दिए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।